दोस्तों वेलकम बैक इन माय चैनल, यू आर वाचिंग विशाल एक्सप्लोरर। एंड इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने चाहता हूँ, अगर इजिप्ट में आप पाते हो तो कौन सा सीम आपको लेना है, कौन सा सीम आपको लेने नहीं लेना है। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, इजिप्ट जब आप एयरपोर्ट में आओगे, मीन्स कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अगर आओगे, तो एयरपोर्ट में तो पहले तो आप देखोगे बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट सिम वाले हैं, वो लोग आपको डिफरेंट डिफरेंट सिम देने के लिए, डिफरेंट प्लान सिम के लिए आपको अप्रोच करेगा। तो माय सजेशन इज दैट वहाँ से आप नहीं लो, अगर बहुत ज़रूरत है तभी लो, अगर बहुत ज़रूरत नहीं है तो वहाँ से मत लो। आपको क्या करना है, सिंपल आपको आ जाना है सिटी में। अगर आप कायरो शहर में पहले आते हो और अलेक्जेंड्रिया में जाते हो, कहीं भी जाओ, पहले आपको सिटी में आना है। सिटी पर आकर आपको सिलेक्ट करना है कोई भी सिम कार्ड, क्योंकि सिटी में सिम कार्ड का प्राइस बहुत ही सस्ता पड़ता है। तो एज यूजुअल मेरा ट्रिप है ओनली फॉर 10 डेज, मेरा तो वीकली और सॉरी मेरा तो मंथली और बहुत लॉन्ग प्लान नहीं चाहिए था। और बेसिकली मैं ढूंढ रहा था कोई डेटा प्लान, डेटा प्लान के मतलब जिसमें सिर्फ इंटरनेट का ज़रूरत है, बिकॉज मैं तो यहाँ पर कायरो में किसी को फ़ोन भी नहीं करने वाला हूँ। सो गाइस, मैंने ढूंढा और मैंने रिसर्च करने के बाद मुझको पता चला इजिप्ट में इंटरनेट का सबसे बढ़िया जो फैसिलिटीज़ है वो है भाई वोडाफोन का। यहाँ पर देख सकते हो वोडाफोन लिखा हुआ है और यहाँ पर ऊपर कुछ अरबी में लिखा हुआ है, मुझको तो पढ़ना नहीं आता है क्या है, व्हाट इज़ ऑल दिस, अरबी और उर्दू में शायद लिखा है, आई डोंट नो व्हाट इज़ रिटन ओवर हियर। तो वोडाफोन का इंटरनेट सबसे अच्छा है, तो मैंने वोडाफोन के सिम के लिए मैं गया वोडाफोन स्टोर से, आई गॉट माई इजिप्शियन वोडाफोन सिम कार्ड। बट वोडाफोन सिम कार्ड लेने के बाद मैंने उसको पूछा, ये 4G है ना, तो उसने जो मोहतरमा थे जो वोडाफोन स्टोर में, इसने बोला हाँ ये तो 4G है। तो मैंने 4G का सिम लगा लिया मेरे सिम में। तो ट्रस्ट मी गाइस, इजिप्ट में मोबाइल टावर सर्विस, मोबाइल का जो नेटवर्क सर्विस और इंटरनेट सर्विस बहुत ही ख़राब है। तो बिकॉज ये मेरा 4G फ़ोन है, 4G फ़ोन में मैं लगाया, बट 4G नहीं है, ये 3G है, क्या बोलूँ 2G है शायद। बट इसके लिए मैंने पे किया ऑलमोस्ट 180 इजिप्शियन पाउंड, कितना होता है इंडियन करेंसी में, आप काउंट कर लो, 180 × 4 काउंट कर लो, जितना आता है उतना ही होता है। तो ये कोई 4G नहीं है, 2G और 3G होगा मैक्स टू मैक्स। और 180 देकर मुझको मिला है टोटल 7.6 GB इंटरनेट फॉर 1 month। अब मैं 1 महीने भी ख़त्म कर सकता हूँ, 1 दिन में ख़त्म कर सकता हूँ, ऑल अप टू मी। बट इंटरनेट जो पैथेटिक स्पीड है, मैं कह आई कैन टेल यू, ये तो छोड़ो 1 महीने क्या, 2 महीने में भी ख़त्म नहीं होगा आपका ये 7.6 GB। तो इंटरनेट वाला एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा है इस इजिप्ट शहर में। तो मैंने और भी टूरिस्ट मेरे जो हॉस्टल में रहते हैं, टॉक टू देम, उसने भी बोला उन लोगों के भी सेम प्रॉब्लम है, उन लोगों के फोन में इधर उधर जाओ तो मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है। सो ये प्रॉब्लम है इजिप्ट में अबाउट द इंटरनेट। सो थैंक गॉड मेरे जो हॉस्टल में रह रहा हूँ, हॉस्टल में वाईफाई तो रहता है, वाईफाई यहाँ पर अच्छा है, तो वाईफाई से मैं काम चला रहा हूँ। बट ये जो वोडाफोन का सिम, ट्रस्ट मी, एकदम वेस्ट ऑफ मनी। अगर आप कायरो में आ रहे हो, कोशिश करो वोडाफोन ले सकते हो, बिकॉज यही वन एंड ओनली सोल्यूशन है। बाकी जो कंपनी है उसको लगा सिम का जो नेटवर्क है इससे भी बहुत खराब है। सो वोडाफोन इज द ओनली सोल्यूशन, बट नेटवर्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसका कॉस्ट है ऑल्सो 180 इजिप्शियन पाउंड। सो गाइस, ये सिम का जो कन्फ्यूजन्स है, सिम कहाँ से लिया जाए, कितना खर्चा लगता है, उसका एक ऑलमोस्ट आइडिया आपको मिल चुका है अबाउट द इजिप्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल का सब्सक्राइबर नहीं बने हो, अच्छे अच्छे ट्रेवल रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।